स्टूडेंट्स, आप लोग का फिर से डेनी पेशन इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। ठीक है, लॉकडाउन के बाद ये फिर से क्लास स्टार्ट हो रहा है और मेरा नाम दीपक सर हुआ और हम आज आप लोग को पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 10 का केमिस्ट्री का एक चौथा टॉपिक है जो है ईगो परिश्रम। ठीक है, इवेपोरेशन। एक्चुअली में जो फर्स्ट चैप्टर का जो टॉपिक है वो आपका सिलेबस से डिलीट हो चुका है, लेकिन हम लोग जानकारी के लिए ये चीज टॉपिक पढ़ाया जा रहा है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हम डेली लाइफ में इसके बारे में देखते हैं। जैसे सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, आप छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जब कपड़ा हम लोग धोते हैं तो उसको सुखाने के लिए डालते हैं धूप में। ठीक है, तो धूप में सूखता है, वो क्यों सूखता है, उसका प्रोसेस क्या होता है, वही कारण ही है। वहां पर भी ये प्रोसेस है इवेपोरेशन। जैसे अगर आपका किसी कंटेनर में पानी रखा हुआ है या तालाब का जो पानी है, ठीक है, नदी का जो पानी है, वो धीरे धीरे क्या होता है, ज्यादा गर्मी होने से सूखता है, तो वो क्यों सूखता है, ड्यू टू इवेपोरेशन। बात समझ पाए? जब हम लोग देखे ये चीज है कि घड़ा के अंदर जो पानी रखा रहता है वो धीरे धीरे अपना टेम्परेचर का कम हो जाता है और ठंडा हो जाता है, पीने में अच्छा लगता है, तो वो ठंडा कैसे होता है, ड्यू टू इवेपोरेशन। जैसे हम लोग मान लीजिए धूप में आए हुए बहुत वर्क कर पसनी से तरफ बदल है और पंखा के नीचे जैसे आते हैं तो हमें कूलिंग इफेक्ट दिखता है, वो कैसे दिखता है, वो क्यों किस प्रोसेस से होता है, वो भी होता है आपका इवेपोरेशन से ही। तो चलिए हम लोग इसे जानेंगे इवेपोरेशन वर्ड क्या है। तो जैसे इवेपोरेशन आप पढ़े हुए थे कि जब पानी को 100 डिग्री सेल्सियस पर हम लोग गर्म करते हैं तो वो वेपर में बदलना शुरू करता है, तो अलग अलग सब्सटेंसेस के लिए, अलग अलग मैटेरियल के लिए अलग अलग उसका क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है और वेपर में चेंज होता है। ठीक है, लेकिन ये इवेपोरेशन ऐसा होता है कि किसी भी लिक्विड को या खासकर हम लोग पानी के लिए लेते हैं कि किसी भी टेम्परेचर पर पानी जो होता है वो वेपर में कन्वर्ट होते जाता है, तो वो ड्यू टू इवेपोरेशन। कैसे होता है, जैसे पानी मान लीजिए ग्लास में रखे हुए हैं या थाली में रखे हुए हैं, तो क्या होता है, अपर लेयर जो होता है वो एटमोस्फेयर के हीट से कॉन्टेक्ट में आता है और धीरे धीरे क्या होता है, उसका वेपराइजेशन मतलब होते जाता है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इवेपोरेशन। ठीक है, दैट मींस क्या पढ़ता है यार, यहां पर डेफिनेशंस का हम लोग जानेंगे कि जब कोई लिक्विड सब्सटेंस क्या होता है, वेपर में चेंज होता है किसी भी टेम्परेचर पर, एनी टेम्परेचर पर, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं वेपराइजेशन। तो यहां नोट कर लीजिएगा, द प्रोसेस इन विच लिक्विड चेंज इनटू लिक्विड चेंज इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पर। वेपरेशन के लिए आपको 100 डिग्री सेल्सियस चाहिए, लेकिन इवेपोरेशन के लिए किसी भी टेम्परेचर पर हो जाता है, सॉरी यहाँ स्क्रीन से टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पर क्या होता है, लिक्विड जो होता है हम लोग का वेपर में चेंज हो जाता है, ऐसी प्रोसेस हम लोग बोलते हैं क्या, वेपराइजेशन, सॉरी इवेपोरेशन। और जहां तक मैंने एग्जांपल बताया था, एग्जांपल आप देख सकते हैं, पहला जो है आपका ड्राइंग ऑफ क्लॉथ, ड्राइंग ऑफ वेट क्लॉथ, भींगा हुआ कपड़ा का सूखना, वेट क्लॉथ इन सन, मतलब धूप में जब सुखाते हैं तो भींगा हुआ कपड़ा जो सूखता है उस प्रोसेस को भी क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। जैसे आपका होता है कूलिंग ऑफ वाटर इन अर्थ पॉट, अर्थ पॉट का मतलब होता है मिट्टी का घड़ा, मिट्टी घड़ा में पानी का ठंडा होना भी क्या है, आपका इवेपोरेशन है। थर्ड नंबर पे आप आते हैं तो आप कह सकते हैं, जैसे आप लोग घर में किसी घर में कूलर भी इस्तेमाल करते हैं, तो कूलर भी जो वर्क करता है, जो वर्किंग है, वर्किंग ऑफ कूलर भी आपका, वर्किंग ऑफ कूलर इन होम, घर में आप जो कूलर लगाते हैं वो भी क्या करता है, इवेपोरेशन पर ही वर्क करता है। आप देखे होंगे कि कूलर जो मेरा मशीन रहता है उसके चारों तरफ, मतलब आगे फ्रंट छोड़कर तीन साइड में क्या होता है, हस से भरा रहता है और अंदर में क्या एक मोटर लगा होता है, एक टैंक रहता है नीचे में, उस मोटर से पानी ऊपर आता है और वो तीनों साइड पे क्या करता है, भींगा देता है,
और जो बाहर जो गर्मी होता है उस गर्मी से क्या होता है वो पानी जो है तो वो वेपराइज होने लगता है। अब वेपराइज होता है तो वेपर जो होता है वो उस वेपर को जो ठंडा ठंडा वेपर जो होता है उसको क्या करता है फैन जो होता है वो खींच कर आपका आउटवर्ड की तरफ मतलब सामने की तरफ क्या होता है एयर फ्लो करवाता है। चलिए आते हैं आप नेक्स्ट एग्जाम्पल में जो आपका फोर्थ नंबर जो है जैसे द क्वीन इफेक्ट The cooling effect when we pass with sweat or under the fan. जब हम लोग क्या करते हैं जब पसीने से हम लोग तरबतर रहते हैं तो जब पंखा के नीचे जो आते हैं तो हम लोग क्या होता है पसीना सूखने लगता है और जब पसीना सूखता है जो है तो सूखने के लिए मतलब इवेपोरेट करने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो हम लोग बॉडी से ले लेता है और हम लोग का बॉडी चलता टेम्परेचर डाउन रहता है और हम लोग ठंडा फील करने लगते हैं। तो यहाँ पर लगे द कूलिंग इफेक्ट ऑफ इफेक्ट वेयर वी पास विद स्वेट मतलब पसीने से तरबतर हो जाते हैं ठीक है ना। अब फैन के नीचे आते हैं तो क्या होता है हम लोग को ठंडा लगता है ठीक है। इससे और भी बहुत सारा चीज आप दिखा सकते हैं जैसे नेक्स्ट पढ़ लिया क्या क्या पढ़ लिया हमें कि जो भींगा और कपड़ा जो सूखता है या कूलिंग ऑफ हॉट एंड कोल्ड पर खराब पे जो पानी ठंडा होता है कूलर जो हम लोग जो वर्क करता है इसी पर काम करता है ये वगैरह हो गया। एज फॉर जैसे नदी के पानी से द ड्राइंग ऑफ वाटर इन वाटर बॉडीज दैट मींस क्या होता है वाटर बॉडीज लाइक पॉन्ड रिवर सी एटीसी ठीक है ये तालाब का पानी नदी का पानी समुद्र का पानी जो सूखता है तो अपर लेयर ऊपर का लेयर क्या होता है इवेपोरेट करता है। तो ये सारे हम लोग क्या है इवेपोरेशन के एग्जांपल है। अब आते हैं हम लोग इवेपोरेशन जो होता है वो आपका किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है ये जानते हैं ठीक है। तो हम लोग हेडिंग देने क्या कि फैक्टर ऑन विच इवेपोरेशन रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड्स। चलिए बहुत अच्छी बात है ये याद रखिएगा इवेपोरेशन का और टॉपिक है वो आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अब नहीं रहा लेकिन हम लोग डेली लाइफ में इसका बहुत इस्तेमाल करते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं क्या द फैक्टर्स ऑन विच द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड्स। फर्स्ट होता है आपका टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग और दूसरा हम लोग बात करने जा रहे हैं दूसरा आपको होता है सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी तीसरा होता है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर फिर आपका होता है ये नेचर ऑफ मटेरियल नेचर ऑफ जो क्या होता है मटेरियल जो लिक्विड में अब्सॉर्ब किए हुए। चलिए और भी बहुत सारे सब है सिर्फ टेम्परेचर बात करते हैं टेम्परेचर सराउंडिंग में टेम्परेचर का बहुत ज्यादा आता है तो क्या होता है हम लोग का इवेपोरेशन रेट क्या होता है इंक्रीज कर जाता है। जैसे आप जानते हैं कि गर्मी के टाइम में कपड़ा जल्दी सूखता है और ठंडा के टाइम में
दिस इज द किंग, क्योंकि टेंपरेचर सराउंडिंग का कम होता है ठंडा के टाइम में, और गर्मी के टाइम में क्या होता है टेंपरेचर सराउंडिंग का ज्यादा होता है। फिर बात करते हैं सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी, जैसे हम लोग सरफेस एरिया बड़ा हो जाए, जैसे एक थाली में रखा हुआ पानी हो, एक ग्लास में रखा हुआ, तो वाटर का सरफेस एरिया किस में ज्यादा हो गया, ऑब्वियसली थाली में हुआ, तो थाली का पानी जल्दी सूखेगा और ग्लास का पानी थोड़ा देर से सूखेगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कभी कभी क्या होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा हो जाने की चलते क्या होता है आपका, जैसे आप ऊंचाई पर जाते हैं तो हवा का दबाव क्या होता है कम होता है, और नीचे जाने पर हवा का दबाव बढ़ता है, और तो कम रहता है तो क्या होता है वहां पर जल्दी आपका, वहां पर जैसे ऊंचाई पर रहिएगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम रहता है, और वहां हम लोग कंडेंसेशन जो रेट होता है वो क्या होता है घट जाता है। ठीक है, आप जानते हैं जो लोग ऊंचाई पर जाते हैं तब हम लोग ठंडा लगता है, बाहर पर चले होंगे तब क्या ठंडा फील किए होंगे, ठंडा क्यों लगता है क्योंकि वहां इवेपोरेशन रेट कम होता है। एक नेचर ऑफ मटेरियल, जैसे मैं किस टाइप का ऑब्जेक्ट आपका भीगा हुआ है, जैसे अगर एक सूती कपड़ा सूखा हुआ है, सूती कपड़ा सूखा है, एक वूलन है, तो वूलन क्या होता है आपका पानी को ज्यादा मात्रा में एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, और जो सूती जो होता है वो पतला जो होता है वो कम मात्रा में करता है, नायलॉन थ्रेड सूख जाता है, जैसे साड़ी वगैरह जल्दी सूख जाता है। ठीक है, तो हम नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करते हैं किस तरह का सबस्टांस लिया हुआ। ठीक है, चलिए इसी तरह से आप जान गए हैं, आगे आप रीडिंग कीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, और सावधान रहिए, कोरोना से बचकर रहिए, हमेशा मास्क लगाइए, सैनिटाइजर हमेशा इस्तेमाल कीजिए। ओके, ठीक है, बाय।